सहरसा में गैंगरेप के मामले में एक अभियुक्त अंकुश कुमार हुआ गिरफ्तार। बीते सोमवार को एक नाबालिग लड़की के साथ दो लड़के चलती स्कॉर्पियो गाड़ी में गैंगरेप कर घटना को अंजाम देकर हुए थे फरार। लड़की ने सबके खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराया था। SDPO आलोक कुमार देर शाम सदर थाना में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सहरसा जिले में बीते सोमवार को एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी, जिसके साथ दो लड़के ने चलती स्कॉर्पियो गाड़ी में गैंग रेप कर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। इस मामले में अजीत कुमार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी कड़ी में गैंग रेप में शामिल मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त अंकुश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सदर थाने में देर शाम SDPO आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। प्रेस वार्ता के दौरान SDPO आलोक कुमार ने बताया कि सुबह में अजीत कुमार जो ड्राइवर था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी और नामजद दो अभियुक्तों में एक अंकुश कुमार की देर शाम गिरफ्तारी की गई है और शेष एक और अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य आरोपी दोनों नामजद अभियुक्त है अंकुश कुमार और बिट्टू कुमार है। गाड़ी अंकुश कुमार की मां के नाम से है। इन लोगों ने गाड़ी का साक्ष्य छुपाने का भी प्रयास किया और गाड़ी के अंदर का की साफ सफाई भी कर दी थी। हमारी FSL की टीम के द्वारा जांच भी की गई है। शेष अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी भी जल्द सुनिश्चित करा ली जाएगी। हम बकरी चरा के आ रहे थे तो दो लड़का मुझे बुलाया, मैं चली गई, बोला कार में घुस को हम नहीं घुस रहे थे ना, जबरदस्ती हमको गुस्सा के मेरे साथ गलत करने लगी। दो लड़की लड़का था, कहाँ ले? एक गाड़ी चला रहे थे। तीन लड़का था, एक गाड़ी चला रहा था, दो तुम्हारे साथ गलत किया। हाँ। क्या नाम है दोनों लड़का का? एक का नाम है बिट्टू, एक का नहीं पता है। नहीं। अंकुश। बच्चिया के साथ में क्या मामला है? बच्चिया के साथ में ये हुआ सर, ये जो है ना परसों शाम को जो है ना 4 बजे घर से निकली हुई थी बकरी चराने के लिए, और बकरी चरा करके 5 बजे शाम में उधर से वो लौट रही थी, तो लौटते समय इसे जो है ना दो लड़के तीन लड़की थे गाड़ी पे चार चक्का पे, तो तीनों लड़के जो है ना एक गाड़ी चला रहा था वो बेचारा तो कुछ नहीं बोला, दो लड़के जो थे तो इसे आवाज़ लगाया बुलाया तो ये गई उसके पास, उसके बाद बोला ए लड़की हल्ला मत करना, देखती हो बंदूक सटा के मार ये देंगे, चुपचाप जल्दी से गाड़ी पे चढ़ो। वो गाड़ी पे जब चढ़ी बस गाड़ी का शीशा लॉक कर दिया और उसके कान के सामने में DJ जो है ना बजा करके बहुत तेज से आवाज़ कर दिया ताकि इसका आवाज़ बाहर ना निकल सके, और ये बीच में हल्ला भी करने लगी तो इसे थप्पड़ से मारा उसे मुंह पे, 2-3 थप्पड़ इसके मुंह पे मारा है, उसके बाद गाल में दांत काट लिया पूरे यहाँ, इसका जब आई हुई थी इसका चेहरा बहुत ही उतरा सा था और ये बहुत डरी हुई थी, इसको बोल दिया था कि अगर गार्जियन को अगर तुम अपने बताओगी तो तुम्हें जो है ना जानती हो गोली से मार देंगे तुम्हारे पूरे खानदान वाले को, वरना घर जाके कुछ मत बताना। तो ये लड़की कल शाम में रात में आई ना परसों, तो ये कुछ नहीं बताइए, कल दोपहर 3:30 करीब ये बताई है हमको, हम इसे पूछे इतना इसके मम्मी पापा मार रहे थे कि तू कहाँ चली गई थी बकरी चरा के, तो ये बताई नहीं, मार खा ली चुपचाप लेकिन बोली नहीं कुछ, जब हम इसे प्यार से पूछे तब ये हमें बताई है कि देखिए ना दो लड़का मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है और जो है ना देखिए मेरा कपड़ा उपड़ा सारा फटा हुआ है, सारा कपड़ा भी फाड़ दिया है, सारा कपड़ा भी उसका फटा हुआ है। तो क्या नाम है दोनों लड़का का? दोनों लड़का का पहले लड़का जो किया है उसका नाम बिट्टू है, दूसरे लड़का का नाम है क्या नाम उसका अंकुश कुमार है। सुबह में अजीत कुमार जो कि ड्राइवर थे गाड़ी में उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी थी और नामजद दो अभियुक्तों में एक अभियुक्त अंकुश कुमार की गिरफ्तारी अभी की गई है तथा शेष एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। सर गाड़ी किसके नाम से थी और मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी दोनों नामजद अभियुक्त हैं अंकुश कुमार और बिट्टू कुमार, और गाड़ी अंकुश कुमार की माता जी के नाम पे है और इन्होंने गाड़ी में साक्ष्य भी छुपाने का प्रयास किया था, उसे धो दिया गया था गाड़ी को अच्छे से, तो हमारी FSL टीम द्वारा भी गाड़ी की जाँच करा ली गई है तथा शेष अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी।